ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अपने सामने ब्रह्मा बाबा को लाएं, देखें बाबा कैसे बैठा है, शिव बाबा की याद में मग्न, बुद्धि बाबा की के स्वरूप पर स्थिर, हमेशा निराकारी स्थिति का, अशरीरी होने का बहुत ज्यादा अभ्यास। आज हम इसको फॉलो करेंगे और फॉलो करेंगे ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन को, जैसे उनका मुरली से बहुत प्यार था, जैसे उनका अपने बच्चों से बहुत प्यार था, वैसे ही हम भी मुरली से बहुत प्यार रखें और परिवार से भी बहुत प्यार रखें। परिवार से प्यार रखना कईयों को कठिन लगता है, परंतु हमारा परिवार देव कुल की महान आत्माओं का परिवार है, हमारा परिवार इष्ट देव देवियों का परिवार है। इस नजर से अपने साथियों को देखें तो बहुत प्यार की फीलिंग होगी, उनके गुण ही दिखाई देंगे, अवगुणों पर नजर नहीं जाएगी। मुरली हमारे लिए रोज का भोजन है, मुरली भगवान का ज्ञान, जिसकी हमें युगों से तलाश थी, सत्य की। सत्य ज्ञान मिले तो चित्त का अंधकार दूर हो जाए, सत्य ज्ञान मिले तो जन्म जन्म की भटकन पूर्ण हो जाए, सत्य ज्ञान मिले तो अपने घर का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, परमात्मा का और हमारा स्वयं का सत्य ज्ञान मिल जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाए। मुरली हमें सत्य ज्ञान देती है, मुरली अमृत है, मुरली एक बहुत सुंदर डांस करा देती है हमें, मन में नाच उठता है, मुरली का सुख हम प्राप्त करते चलें, मुरली का रस प्राप्त करते चलें और मुरली के माध्यम से रोज अपने विचारों को महान बनाते चलें। न केवल मुरली पढ़ लेना, मुरली पढ़ना प्रथम कदम, मुरली से अच्छी अच्छी बातें जानना, नोट करना दूसरा कदम, लेकिन मुरली का संपूर्ण सुख लेना, ऐसा अनुभव करना कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, स्वयं ज्ञान सागर त्रिकाल दर्शी मुझे स्मृतियां दिलाकर जगा रहा है, हमें जागृति आती जा रही है, हम अपनी शक्तियों को पहचानते जाते हैं। मुरली के माध्यम से ही हम बाबा को भी पहचानते हैं और स्वयं को भी पहचानते जाते हैं, दोनों को ही पहचानना परम आवश्यक है, क्योंकि जितना जितना हम स्वयं को जानते जाएंगे, अपनी शक्तियों से हमारा परिचय होता जाएगा, इस सृष्टि चक्र में हमारे क्या क्या हीरो पार्ट हैं उनका हमें आभास होता जाएगा, तो हम अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करेंगे, अपने संस्कारों को बदलना हमारे लिए सरल हो जाएगा। और इसी तरह बाबा को भी जानते चलें, बाबा को जितना गहराई से हम जानेंगे, बाबा की शक्तियों को पहचानेंगे और ये आभास होगा कि वो निरंतर हमें साथ देता है, बुलाते ही आ जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता हम उसका साथ चाहें और वो हमें साथ न दे, और वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका साथ होते हुए हमारा कहीं अहित हो जाए, हम भयभीत हो जाएं, हमें प्रकृति कष्ट देने लगे, ये कदापि नहीं होगा। तो मुरली से हम स्वयं को और बाबा को बहुत अच्छी तरह जानते जाएंगे। तो आज सारा दिन हम बाबा की तरह ऐश्वर्यी होने का अभ्यास करेंगे। बाबा की ये स्थिति थी अंतिम दो तीन साल में, जो भी बाबा के सामने बैठते थे और बाबा उन्हें दृष्टि देते थे,
तो डीप साइलेंस हो जाया करती थी, वो अपने देह को भूल जाते थे। लेकिन इसके पीछे बाबा का बहुत बड़ा त्याग और वैराग की भावना भी थी। तो आज हम त्याग और वैराग की भावना को कायम रखते हुए हर घंटे में दो बार स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करेंगे और साथ में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। आज की ये दोनों हमारी श्रेष्ठ तपस्या होंगी। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।